आज जिला संबल में मदरसा इस्लामिया आजाद मुनव्वरुल कुरान में बालिका दिवस के शुभ अवसर पर एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित कर सरकार का शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री को एक पत्र मदरसे के प्रबंधक अब्दुल्ला द्वारा भेजा गया था, जिसमें बच्चे के जन्म लेने पर उसको पालन पोषण एवं शिक्षा के लिए, चाहे वह किसी भी धर्म की लड़की हो, सरकार को जो भी मुनासिब लगे किश्तवार धन प्रदान करवाया जाए एवं उसको कक्षा 10 तक एफडी के रूप में भी धन दे। अतः इस योजना में शुरू होने से कन्या सुरक्षित शिक्षित होगी, जिससे देश का भविष्य भी सुरक्षित और शिक्षित होगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना के रूप में 22 जनवरी 2019 को बजट पेश करने जा रही है, इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और मदरसे के प्रबंधक अब्दुल्ला ने कहा, वसीम रिजवी तो मदरसों के ऊपर तरह तरह के बयान देते रहे हैं, उल्टे सीधे बयान ना दे, मदरसे से हमेशा अच्छी इल्म हासिल होती है। तो यह भाग्य लक्ष्मी योजना बजट में पेश की जा रही है, यह भी मदरसों की ही देन है, इसके लिए भी आवाज मदरसों ने ही उठाई थी। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, जिसे हम आज अपने मदरसा इस्लामी आजाद मुनव्वरुल कुरान में इसलिए मना रहे हैं क्योंकि 31-10-15 को हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने ख्यालों से अवगत कराया था और बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए उनको एक ये मैंने लेटर लिखा, जिसमें मैंने उनको लिखा था कि बच्चों को यानी कन्या को जब वो पैदा हो तो उसको किश्तवार जो है एक किश्तवार उसको पैसे मुहैया कराए जाएं, ताकि वो उसका भरण पोषण सही तरह से हो और उसकी शिक्षा सही तरह से हो और जिस तरह से क्लासों में क्लास हर वो क्लास में आती जाए उसी क्लास के हिसाब से उसको पैसे दिए जाएँ, यहाँ तक कि जो जब तक कन्या कक्षा 10 में नहीं पहुँच जाए तब तक उसको उसका खर्चा सरकार अपने जिम्मे ले। तो जिस तरह से हमारे भारत जैसे मुल्क में कन्याओं को बोझ समझ कर मार दिया जाता है या उनके पिता कन्या पैदा होने पर आत्महत्या कर लेते हैं या कन्या के जन्म लेने पर ससुराल में उस पर जुल्मों का पहाड़ तोड़ दिया जाता है, तो इन घटनाओं को इस तरह से हम आसानी से रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है, जिस मुल्क की कन्या सुरक्षित व शिक्षित होगी उस देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा और महफूज होगा। दूसरी चीज़, अभी हमारे क्या नाम है जनाब मंत्री रिजवी जी ने जो उस चीज़ को हमारी यूपी सरकार ने जो मैंने अवगत अपने ख्यालों से कराया था, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना शुरू की है जो भाग्य लक्ष्मी योजना के नाम से इस साल बजट में पेश होने के लिए जा रही है। तो मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ अब तह दिल से कि जिस तरह से ये योजना बजट में पेश होने के लिए जा रही है, तो ये योजना जो है लागू हो और पूरी तरह से इस पर ध्यान दिया जाए ताकि हमारी कन्याएं हमारी बच्चियां जो हैं पूरी तरह शिक्षित हों और महफूज हो सके। अच्छा, ये वसीम रिजवी मदरसों के मामले में जो बयान दे रहे हैं इसके मामले में क्या कहती हैं? इसके मामले में सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जनाब हमारे वसीम रिजवी जी जो हमारे मंत्री हैं, मैं वो मदरसों के खिलाफ जो गलत बयान हो वो मदरसों के खिलाफ यहाँ गलत बयानों से परहेज करें, क्योंकि ऐसे ये विचार जो कन्याओं के लिए दिए एक मदरसे के प्रबंधक द्वारा ही दिए गए हैं, जिस पर आज अमल होने के लिए हमारी यूपी सरकार में जा रहा है, जिसे आज यूपी सरकार भाग्य लक्ष्मी योजना के रूप में आवाम को तोहफा देने के लिए जा रही है। मैं इस पर जो है जनाब मुख्यमंत्री जी का जो है पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।